हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, आप थोड़ा सा ना इमेजिनरी सिचुएशन को लेके चलते हैं। अब से हम क्या करेंगे, थोड़ा ट्राई करते हैं कि कैसे हम कुछ इमेजिनरी चीज़ों के तरीके से चीज़ों को, कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करेंगे। मसल के लिए जब आप वर्ड यूज़ करोगे तो सार्को वर्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कि जो मसल है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक इमेजिनरी सिचुएशन के थ्रू समझिए। आप एक सिग्नलिंग की बात करोगे। सिग्नलिंग मतलब हम देखेंगे कि कैसे मसल्स के लिए सिग्नल आएंगे और फिर उसके बाद मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मसल जो होती है, मसल की सेल को आप मसल सेल बोल सकते हो, आप उसको मायोफाइबर बोल सकते हो, आप उसको और क्या बोल सकते हो, मसल फाइबर बोल सकते हो। और आपको अच्छे से पता है कि जब हम मसल फाइबर या मायोफाइबर या कुछ भी हो, कोई भी सेल हो, जब हम उसकी आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि हम मसल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या बोलोगे, सार्कोलेमा। इसी तरह जब किसी सेल के अंदर कोई साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसका नॉर्मली उसका साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। बट यहां पर क्योंकि हम मसल की बात कर रहे हैं अगेन, तो हम उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो समझा रही हूँ। एक मसल है, मसल की आउटर लेयर को आप बोल रहे हो सार्कोलेमा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको बोलोगे सार्कोप्लाज्म। इसी तरह क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर आपको ऑर्गेनिल्स भी दिखाई देंगी, तो यहां पर जो सार्कोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिल भरी हुई है, जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मली होती है, वही हम इसको यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, इसको हम बोल देंगे सार्कोसोम। ठीक है, अगर हम ध्यान से समझें इस चीज को, तो हमारी एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल होते हैं। एक मसल फाइबर के अंदर, एक मायोफाइबर के अंदर बहुत सारे मसल फाइब्रिल होते हैं, और इन मसल फाइब्रिल के अंदर यानी मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले एक मसल है, मसल सेल है, मसल एक टिश्यू है, टिश्यू बहुत सारी सेल से बना हुआ है जिसको हमने मसल सेल कहा है। मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम मसल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा बोल रहे हैं। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और उस मसल फाइबर के अंदर, मायोफाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल भरे हुए हैं, और उन मायोफाइब्रिल में बहुत सारे पैरेलली अरेंज मायोफिलामेंट्स भरे हुए हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं। आई होप इतना आपके लिए क्लियर होगा। अब देखिए, हम इसमें क्या समझते हैं, एक पूरा मैकेनिज्म समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या होता है। वो इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब हम, इतना समझ लीजिए कि मेरे अगर किसी भी सेल पर कोई भी सिग्नल आएगा तो मेरी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी, दैट विल गेट डीपोलराइज्ड। इसका मतलब क्या है, आप रेस्टिंग सिचुएशन में हो, उस टाइम पर जो पोटेंशियल आपकी मेम्ब्रेन के दोनों तरफ होगा उसको आप रेस्टिंग पोटेंशियल बोलोगे, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। लेकिन जैसे ही कोई सिग्नल आया, सिग्नल के आते ही वो मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या हो जाएगी, रेस्टिंग स्टेट को छोड़कर के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी और उसको हम बोलने लग जाएंगे डीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरी एक मसल्स थी, वो रिलैक्स्ड स्टेट में थी, तब मैंने बोला कि मेरा मसल फाइबर जो है वो क्या है, इस टाइम पर पोलराइज्ड स्टेट में है। क्लियर? सेकंड चीज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मैं उसको पोलराइज्ड स्टेट में बोल रही हूं। अब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम सार्कोलेमा की बात करते हैं तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सार्कोलेमा जो होती है मसल्स की, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टी टिब्यूल्स या ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। क्लियर? अब देखिए, एक ट्रांसवर्स टिब्यूल, फिर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा साइटोप्लाज्म में जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, और फिर से एक और ट्रांसवर्स टिब्यूल, और फिर से एक और एंडोप्लाज्मिक यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जो इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं ट्राइयाड। क्लियर है? इसको हम मिलाकर के बोलेंगे ट्राइयाड। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास एक सिग्नल जनरेट करना है तो हमारी जो मसल्स हैं
मान लीजिए हमारे पास कोई, हमने किसी चीज को टच किया, सपोज कर रहे थे किसी चीज को हमने टच किया, तो हमें पेन की फीलिंग कैसे होगी? सपोज वो पेन फील हो रहा है हमें, तो वो फीलिंग आई कैसे? जब हमने उसको टच किया, किसी गर्म तवे को मान लीजिए हमने टच किया, तो उस टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गई उनको लेकर के जाने वाले थे सेंसरी न्यूरॉन, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे लिए इफेक्टर ऑर्गन पे जो हमारा इफेक्ट आया है वो किसकी वजह से आया है? मोटर न्यूरॉन की वजह से। तो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन तक लेकर के आता है हमारे मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए हमें मसल पे क्या करवाना है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना है, राइट। तो सपोज दिस इज माय मसल एंड दिस इज माय मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये मेरी मसल है और ये मेरा मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन जो है वो मेरी मसल के पास है, यानी मसल मेम्ब्रेन के पास है, सार्कोलेमा के पास है। अब यहां से होगा क्या, जब पूरे एक्सोन से, डेंड्राइट से, एक्सोन से जो एंडिंग है एक्सोन की, वहां पर इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन की वजह से जो उसके आसपास कैल्शियम के चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और जो बाहर कैल्शियम होगा उसका इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा मोटर न्यूरॉन में, जो एंड्स ऑफ साइनेप्टिक नोब होते हैं, जो बल्ब है साइनेप्टिक नोब के मोटर न्यूरॉन के, वहां पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो अंदर जो साइनेप्टिक वेसिकल्स थे जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था, वो क्या करेंगे, वो जो न्यूरॉन का एंड मेम्ब्रेन है उसके साथ जाकर के फ्यूज होना शुरू कर देंगे और सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देंगे, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, मोटर न्यूरॉन था, मोटर न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन है साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाती है साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ जब इन्फॉर्मेशन आती है, और कैल्शियम चैनल से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है। इतना क्लियर है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जितना भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा एसिटाइल कोलीन, जो कि हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एसिटाइल कोलीन जो है हमारे पास इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गया। साइनेप्टिक क्लेफ्ट बेसिकली क्या है, जो मेरा मोटर न्यूरॉन है और जो मेरा यहां पर मसल्स है उनके बीच में जो एक स्पेस बना हुआ है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मेरा सारा एसिटाइल कोलीन एक्यूमुलेट हो गया। अब जो मेरी मसल मेम्ब्रेन है जिसको मैं सार्कोलेमा बोल रही हूँ, सार्कोलेमा के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्लियर है। सार्कोलेमा पे बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, किसको पिक करने के लिए, एसिटाइल कोलीन को पिक करने के लिए। जैसे ही मोटर न्यूरॉन ने एसिटाइल कोलीन रिलीज किया, वैसे ही एसिटाइल कोलीन इन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जाकर के, इन रिसेप्टर के साथ जाकर के क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब इन रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड हुआ, वैसे ही मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई, यानी मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, सोडियम चैनल ओपन हो गए। जब न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ते हो ब्रेन वाला, तब उसमें हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। तो वो क्या हुआ, सोडियम आयन अंदर आने शुरू हो गए। अब जैसे ही सोडियम अंदर आयन जो है वो अंदर आए, डीपोलराइजेशन हुआ, तो यही डीपोलराइजेशन उस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में भी गया होगा, जो क्या थी, इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा थी। तो उस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में जब ये गया, उसके आसपास क्या प्रेजेंट थे, वहां पर प्रेजेंट थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम आयन, वहां पर बहुत सारा कैल्शियम आयन क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से मेरा सारा जो डिपोलराइज मेम्ब्रेन थी वो कहां सिग्नल भेज रही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज रही है। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिग्नल गया, वैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। कैल्शियम चैनल विदाउट यूजिंग एनर्जी, जो कैल्शियम अंदर भरा हुआ था वो सारा कहां आना शुरू हो गया, वो शुरू हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्म में, जिसको हम सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं, वहां पर आना शुरू हो गया। अब जैसे ही वो सारा जो आयन्स था कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आया, आपको पता है सार्कोप्लाज्म में क्या रखे हुए हैं, मायोफिब्रिल रखे हुए हैं, और उनमें अंदर प्रेजेंट है मायोफिलामेंट्स, जिसको आप एक्टिन और मायोसिन बोल रहे हो, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल में डार्क और लाइट बैंड की अपीयरेंस आती है, अल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट होते हैं। यानी कि वहां पर एक सार्कोमियर यूनिट होगी, एंड सार्कोमियर यूनिट क्या होती है, सार्कोमियर इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, याद रखिएगा। तो जैसे ही कैल्शियम आया, कैल्शियम आकर के एक्टिन पर जुड़ गया। एक्टिन पर कैसे जुड़ेगा, एक्टिन में मैं फर्दर आपको बाद में बताऊंगी कि एक्टिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, चलो देख लेते हैं अभी। एक्टिन की स्ट्रक्चर में बेसिकली तीन चीजें याद रखिएगा, कि एक एफेक्टिन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, जो फाइब्रस एक्टिन होता है ऐसे, उसके ऊपर एक टेप की तरह ट्रोपोमायोसिन बाइंड रहता है, और उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवेल पर तीन तीन चेरी की तरह क्या प्रेजेंट होती है, ट्रोपोनिन की सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है।
ये तीन यूनिट होती हैं जिसको हम बोल देते हैं ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम। जो हमारे पास कैल्शियम आया है वो जाकर के कहां पर जुड़ेगा? ट्रोपोनिन सी पर जुड़ेगा। ट्रोपोनिन टी जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड रहता है, और जो ट्रोपोनिन आई होता है वो इनहिबिटर की तरह काम करता है। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कीजिए, अभी कैल्शियम आयन नहीं जुड़ा है तो होगा क्या? उस टाइम पर हमारे पास जो एक्टिन है वहां पर ट्रोपोनिन आई बाइंड होगा, तो वो आई क्या करेगा? वो उस साइट को बाइंड करके, मास्क करके रखता है। किस साइट को मास्क करके रखता है? जहां से मायोसिन उसके साथ जुड़ सकता है उस साइट को वो बाइंड करके रखता है, मास्क करके रखता है। बेसिकली मायोसिन बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन उसको मास्क करके रखता है ट्रोपोनिन आई। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आया वैसे ही कैल्शियम टीपीसी से बाइंड हुआ। टीपीसी पे बाइंड होते ही टीपीआई जो था वो अपनी कन्फर्मेशन चेंज कर लेता है, और वो जो साइट थी जहां पर मायोसिन जुड़ सकता है, जो मायोसिन जुड़ने की साइट है, वो क्या हो जाती है? अनमास्क हो जाती है। अब तुरंत जो नीचे मायोसिन का हेड है वो जाकर के उसमें फिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से मायोसिन का हेड आगे पीछे होगा, और इसकी वजह से जो एक्टिन है वो अंदर बाहर जाएगा, अंदर बाहर, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी अलग से मैं दूसरी वीडियो में फिर से समझाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैंने क्या बताया, एक सिग्नल पाथवे समझाया है आपको होता कैसे है, ठीक है। सार्कोमियर में बेसिकली क्या है, सार्कोमियर की दो जेड लाइन है, और इन जेड लाइन के बीच में मायोसिन है, और यहाँ पे साइड में एक्टिन होते हैं, ठीक है, जो लाइट बैंड बना रहे हैं, लाइट बैंड के बीच की जेड लाइन होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब कैल्शियम आयन जुड़ जाता है ट्रोपोनिन सी के साथ, तो ट्रोपोनिन आई वो साइट हटा देती है, तो मायोसिन क्या करता है? मायोसिन हेड के साथ जुड़ जाता है, किसके? एक्टिन के साथ जुड़ जाता है। और ये जो जेड लाइन है, मान लीजिए इतना डिस्टेंस था इनके बीच में, ये पास आ जाती है, और जब ये पास आएंगी तो क्या होगा? इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसी चीज की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं बहुत फास्टली एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल आया। सिग्नल कहाँ से आया? मोटर न्यूरॉन से आया। मोटर न्यूरॉन के कैल्शियम चैनल ओपन हुए। कैल्शियम चैनल के ओपन होते ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज कर गए मोटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ, और जो एसिटाइल कोलिन था वो आ गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट थे सार्कोलेमा पर, उन्होंने क्या कर लिया? एसिटाइलकोलिन को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर पूरी मेम्ब्रेन सार्कोलेमा की डीपोलराइज हो गई। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से ये डीपोलराइजेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक गया, और उसके बाद वहां से कैल्शियम आया। कैल्शियम आकर के कहां पर जुड़ गया? ट्रोपोनिन सी पर जुड़ गया। जैसे ही कैल्शियम वहां पर जुड़ा, ट्रोपोनिन सी पर जुड़ा, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। यानी सार्कोमियर की यूनिट जिसकी जेड लाइन दूर दूर थी, अब वो पास आ गई। एच जोन जो था वो कम हो गया। ये एच जोन क्या है, सार्कोमियर क्या है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लस वन पॉइंट और, मैं अभी अपना एक और चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ नीट के रिगार्डिंग ही सारी चीजें ऐड करूंगी, एंड आई होप उसमें हमारे साथ फिजिक्स के टीचर जो है वो भी हमारे साथ ऐड होंगे आकर के, तो उनके लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। होपफुली मैं ये चीजें जल्द ही शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने टीचर्स डे पे आपको कहा था कि सरप्राइजेस आने वाला है। एंड प्लस वन पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ नोट्स हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज अभी टारगेट की फैकल्टी रही हूं मैं, तो मैंने वहां पर बहुत टाइम जाता था। तो अभी मैंने क्या सोचा है आप सबके लिए, मैं वन हैंड नोट्स दूंगी आपको पूरे पूरे चैप्टर के, जिसमें एडिशनल पॉइंट्स भी हम ऐड करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। सपोज दिस इज द चैप्टर जिसमें आपको पूरा वन शॉट मिलेगा, इसको मैं अच्छे से रिवाइज करवाऊंगी सब कुछ। ये देखिए आप, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का है। इसी तरह से मैं आपको और भी दिखा सकती हूँ, ये पीछे अगर हम देखते हैं तो दिस इज आवर प्लांट ब्रीडिंग, ये लिविंग वर्ल्ड है पूरा चैप्टर। इस तरीके से मैं अभी चैप्टर आप सबके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, आप ये चैप्टर ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही क्रिस्प करके हर चीज को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगी। एंड मेरे अभी बहुत सारे नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड फिर कुछ प्रिपेयर हो चुके हैं कुछ चैप्टर्स के। तो अगर आप ऐसा ही बहुत अच्छा कंटेंट मेरे साथ चाहते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाइए। उससे क्या होगा कि जब इसका रेंज बढ़ेगा तो उस टाइम पर मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। बट मैं ये चाहती हूँ, और जो मेरा सेकंड चैनल होगा उसका लिंक मैं होपफुली यहाँ पर डाल दूंगी, अदरवाइज ये मेरे चैनल पे अभी चीजें आ ही रही हैं। अभी मैं नए टीचर के साथ मिलके, जहाँ पे आपको केमिस्ट्री के टीचर भी मिल सकते हैं, फिजिक्स के भी मिलेंगे, अभी मैं पूरी एक प्रिपरेशन के साथ आपके सामने आऊंगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आई होप आप ये चीजों को पसंद करोगे। एंड वन थिंग बच्चों, अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हो
बिलीव मी, अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हो आपका एक चैप्टर विद इन हाफ आवर और इवन ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स वन आवर के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। इसमें हर चीज लिखी गई है, हर क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, हर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखा दिया हो गया, ये मैं आपको अपलोड भी करवाऊंगी और इसको मैं आपको समझाऊंगी भी बहुत अच्छे से, लेकिन एक बहुत वेल मैनर्ड तरीके में। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस तरीके से चैप्टर चाहते हो, प्लस वन से हम स्टार्ट करें या प्लस टू के चैप्टर से हम स्टार्ट करें, ताकि मैं अकॉर्डिंगली चैप्टर बना सकूं, मुझे उसमें टाइम भी लगेगा। तो प्लीज जितना जल्दी हो सकता है आप कमेंट करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।